भारतीय कप्तान विराट कोहली को बुधवार को आईसीसी की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया। आईसीसी ने कोहली का एक वीडियो साझा किया जिसमें कोहली ने कहा, मैं हैरान था, कई सालों तक मुश्किल हालात से गुजरने के बाद मुझे यह सम्मान मिला। I'm surprised that I've got it after many years of, you know, being under the scanner for wrong things, but look, it's part of you know, camaraderie that sportsmen must have with each other. And that moment was purely understanding an individual's situation. I don't think a guy who's coming out of a situation like that. अक्सर हम अपने शुरुआती दिनों में एक खिलाड़ी के खिलाफ आलोचनात्मक रुख अपनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी युवा इस तरह की स्थिति से गुजरे। कोहली को एक दिवसीय और टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में भी चुना गया था। कोहली को लगातार तीसरे साल एक दिवसीय और टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा पहली बार वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर को T20 में प्रदर्शन का वर्ष मिला। ऐसी मजेदार खबरों के लिए आज ही PTN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और पाएं अनोखी खबरें अपने इनबॉक्स में।